हेलो गाइस, आई एम खुशी फ्रॉम ब्राइट एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर टू लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट टू, जिसे लिखा है एनीस चंग ने। इसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में। मुकेश एक लड़का है जो कि फिरोजाबाद में रहता है, और इसका मतलब जो इनकी फैमिली है, जो मुकेश की फैमिली है, वो चूड़ियाँ बनाती है, और वहाँ पर जो फिरोज़ाबाद है वो चूड़ियों के लिए मशहूर है। वहाँ पर हर रंग की चूड़ियाँ मिलती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलती हैं। जो मुकेश के बड़े भाई और भाभी हैं और उसके पिता, ये सभी के सभी फिरोज़ाबाद में रहते हैं, और मुकेश भी इन्हीं के साथ फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो भी अलग अलग रंग बिरंगे कलरों की। जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं, वहाँ लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं, और जो जहाँ चिमनियों में काम होता है, वहाँ का जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, वो उनकी स्किन में भी इरिटेशन हो जाती है। इससे बच्चों की जो आँखें होती हैं वो भी ख़राब होती हैं। मीन्स जहाँ पर मुकेश और मुकेश के साथ और भी बहुत बच्चे काम करते हैं, जहाँ मुकेश की फैमिली भी काम करती है, तो वहाँ पर जो बच्चे काम करते हैं ना, वहाँ से जो रेडिएशन निकलती है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब जो मुकेश है वो क्या है, उसकी फैमिली जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जितनी भी अब तक उसकी जनरेशन बड़ी है और जो पीछे की जनरेशन है, ठीक है, वो चूड़ियाँ ही बनाती हैं, और उनका मानना ये है कि मुकेश जो है वो भी आगे चलकर हमारी चूड़ियों के उद्योग को ही आगे बढ़ाएगा। लेकिन मुकेश को जो चूड़ियाँ बनती थी, मुकेश को उस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मुकेश का जो सपना था वो मोटर मैकेनिक बनने का था। हालांकि जो मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना है, ये उतना आसान नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसके लिए कोशिश करता था। वह अब होता क्या है, लेखक को वो अपने घर ले जाता है। जो मुकेश है, जो लेखक है ना, वो बच्चों को नोटिस करते हैं, मैंने बताया था ना, तो लेखक को मुकेश अपने घर ले जाता है, और लेखक देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ जहाँ पर मुकेश रहता है, वहाँ की गलियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हैं, नाली का पानी पूरी गली में बहता है, वो भी 24 घंटे, और वहाँ पर प्रबंधन की कोई भी सुविधा नहीं है, वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। मुकेश के जो घर का दरवाज़ा है वो भी पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, और वो उसका घर टीन से बना हुआ है। फिर लेखक एक कमरे में जाती हैं जहाँ पर एक औरत होती है जो मुकेश की भाभी होती हैं, और वो देखती हैं कि कमरे में कुछ कटी हुई सब्जियाँ पड़ी रहती हैं एल्यूमिनियम की प्लेट में, जिन्हें रखा जाता है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हैं। पालक के पत्तों को चूल्हे पर रखा जाता है, मतलब घर की जो स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, मतलब कहीं भी साफ़ सफाई नहीं है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मुकेश अपने सपने को सच करने के लिए, मोटर मैकेनिक बनने के लिए, लंबी दूरी तक चलने के लिए तैयार है। मतलब अपने घर की कंडीशंस को देखते हुए वो फिर भी मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो वो फिर भी मोटर मैकेनिक बनने के लिए अपनी कोशिश जारी रखता है। अब जो मुकेश के बारे में और साहिब आलम के बारे में, हम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों की स्टोरीज अलग हैं, लेकिन मैटर यही है कि दोनों ने अपना बचपन खो दिया। बचपन मीन्स जब उनकी खेलने कूदने की उम्र है, जब उनको खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जब उन्हें अपने दोस्त बनाने चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, घूमना चाहिए, तब उन्हें काम करना पड़ रहा है, और वो काम उन्हें अपने घर की स्थिति को देखकर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर टू होता है फिनिश। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।